नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ जहर उगला। मुंबई हमले के सूत्रधार जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद ने पेशावर में हुए हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराते हुए बदला लेने की बात कही है। एक जनसभा में भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए इस कुख्यात आतंकी ने कहा कि पेशावर हमले के असल मुजरिम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान ने पेशावर हमले से सबक नहीं लेते हुए मुंबई हमले के एक अन्य आरोपी जकीउर रहमान लखवी को जमानत पर रिहा कर दिया। भारत बनेगा 2021 तक हिंदू राष्ट्र। धर्मांतरण पर जारी विवाद के बीच धर्म जागरण मंच के नेता राजेश्वर सिंह ने दावा किया है कि वे अभी तक 3 लाख से ज़्यादा लोगों की घर वापसी करा चुके हैं और उन्हें हिंदू बना चुके हैं। राजेश्वर ने भारत को 2021 तक हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों और ईसाइयों को भारत में रहने का हक नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू के काफिले पर हमला। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को प्रचार करने पहुंचे पूर्व भारतीय क्रिकेटर एवं भाजपा नेता नवजोत सिंह सिद्धू के काफिले पर बोहर कैंप में सिख समुदाय के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। भीड़ ने पत्थरों से उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ डाले। सिद्धू पूरी तरह सुरक्षित हैं, उन्हें वक्त रहते गुस्साई भीड़ के बीच से निकाल लिया गया। GSLV MK-3 का सफल प्रक्षेपण। मानव को अंतरिक्ष में भेजने की दिशा में भारत ने एक मजबूत कदम बढ़ा लिया है। इसरो ने अपने सबसे भारी प्रक्षेपण यान GSLV MK-3 के प्रक्षेपण के साथ ही चालक दल मॉड्यूल को पर्यावरण में पुनः प्रवेश कराने का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। गुरुवार को सुबह 9:30 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से इसके परीक्षण के ठीक 5:04 बाद मॉड्यूल 126 किलोमीटर की ऊँचाई पर जाकर रॉकेट से अलग हो गया और फिर समुद्र तल से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के वातावरण में पुनः प्रवेश कर गया। आतंकवादी संगठन IS की घिनौनी करतूत 150 महिलाओं को मार डाला। इस्लामी आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के जिहाद का एक और घिनौना चेहरा सामने आया है। इन दरिंदों ने 150 महिलाओं को इसलिए मार डाला क्योंकि उन्होंने IS के लड़ाकों से निकाह करने से इनकार कर दिया था। बाद में फलूजा में सामूहिक तौर पर इनकी लाशों को दफन कर दिया गया। मारी गई महिलाओं में कई गर्भवती थीं।